जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे जब सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा होता है, शनि महाराज जब सेकंड हाउस में किसी की पत्रिका में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा और काफ़ी आपको इंसाइट प्रदान करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपनी लाइफ के बारे में, किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, चाहे फाइनेंसेस हो, प्रोफेशंस हो, दशा हो, ऑनगोइंग ईयर हो, कोई हेल्थ इश्यूज हो, जो गोपाल कृष्ण की कृपा से किसी को ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि एडवाइस लेना या कंसल्टेशन लेना आपके लिए उचित रहेगा, अवश्य मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशंस जो हैं वो पेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो सरलता से, आनंद से, डीपनेस से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। तो सैटर्न जो है दोस्तों जब सेकंड हाउस में बैठता है तो देखिए कहीं ना कहीं से पुरानी मेमोरीज तो लेके आता ही है, बीइंग अ कार्मिक प्लैनेट या हमारे कर्मों के फलदाता के रूप में जैसे शनि महाराज को जाना जाता है। और एक बात मैं आपको जो देखिए, पहले भी मैंने वीडियो बनाया जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे हुए, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि कौन सी राशि में बैठे हुए हैं या कौन से घर के स्वामी हैं सब इंडिविजुअल्स की पत्रिका में, लेकिन हाँ ये अवश्य है, उससे अवश्य चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड हाउस में जब सैटर्न बैठे होंगे या जैसे मैंने फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठे हैं उसका वीडियो जो बनाया है आप अवश्य देखिए जिन्होंने नहीं देखा है, तो देखिए कुछ एक बातें हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, वो नहीं हिलती हैं, चाहे वो एग्जॉल्टेड हों चाहे वो डेब्लिएटेड हों, असर ज़रूर होगा। अब सेकेंड हाउस में हम लोग अगर सैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल अगर किसी प्रकार का रिस्ट्रेन है तो जिनकी पत्रिका में एग्जॉल्टेड हैं सैटर्न वो कम हो सकता है, जिनकी पत्रिका में खराब बैठे हुए हैं यहाँ पे सैटर्न उनके साथ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होता है। आती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पे भी बैठा होगा वो अपनी एनर्जी ज़रूर शो करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा लगन है, कौन सा साइन है, जो कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रहेंगी लाइफ में। तो सेकंड हाउस का जो सैटर्न है वो पैसे से संबंधित जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता ही देता है आदमी को। सेकंड हाउस क्योंकि देखिए स्पीच का है, सेकंड हाउस देखिए हमारे सेविंग्स का है, फाइनेंशियल मैटर्स का है, हमारे मोरल वैल्यूज़ का है, संस्कारों का है, हमारे पाँच यहाँ पे सेंसेस उदय होते हैं, यूं कह लीजिए ज्ञानेंद्रियों का है हमारे। तो आप ये मान के चलिए कि जब सैटर्न यहाँ पे आके बैठते हैं तो किसी न किसी रूप में अगर हम लोग देखें पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से, तो कहीं ना कहीं कुछ पैसे का मिस यूटिलाइजेशन किया होता है, या पैसा होने के बावजूद शायद कभी जातक या जातिका ने जो परेशान लोग हों जीवन में या उनके इर्द गिर्द, उनकी हेल्प ना करी हो उस पैसे से, या पैसा जो है बहुत अनाप शनाप खर्चा किया हो, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कामों में पैसा खर्चा किया हो विदाउट बीइंग डिसिप्लिन, या पैसे का महत्व ना जाना हो, ये आप कह सकते हैं। तो अब इस समय क्या होता है जब सेकंड हाउस में सैटर्न बैठता है, तो आपको पैसे के बारे में या फाइनेंसिस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स अवश्य सिखाता है, सभी को सिखाता है।
जिनकी पत्रिका में भी बैठा होता है। हाँ, एक बात और है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा हो और शुभ करने के लिए बैठा हो, तो ये भी देखा जाता है कि पहले से ही काफ़ी एक धनाढ्य परिवार में जन्म हो सकता है। ये पूर्व पुण्यों का कार्य हो सकता है, जो सैटर्न सेकंड हाउस में बैठ के आपको पहले से ही हर चीज़ आपको प्राप्त है, चाहे धन है, वैभव है, पैसा है। वहाँ पे ये चीज़ नहीं आती है कि कोई रिस्ट्रेंट्स हैं, कोई डिप्रीवेशंस हैं, कि भाई कमी महसूस हो रही है किसी चीज़ की, वहाँ ये चीज़ नज़र नहीं आता है। तो कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ बनती है कि उनके पास पैसों से संबंधित शुरुआत से ही, बचपने से ही सब कुछ है, और कई लोगों के साथ शुरुआत में बचपने से ही, बाल्यकाल से ही मैं कह सकता हूँ, पैसे की एक कमी उनको देखने को मिलती है, या पैसे में बहुत डिसिप्लिन रहना उनको सिखाया जाता है। माता पिता की तरफ से भी एक तरीके से ऐसी सोच डाली जा सकती है कभी कभार कि भाई पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से अर्न करने के लिए डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, पैसा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके के कई डूज और डोंट्स जो हैं परिवार वालों की तरफ से, जिनका सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, उनके ऊपर लादे जा सकते हैं या समझाए जा सकते हैं। माता पिता उनको बताते हैं कि एक स्टडी जॉब का क्या महत्व है, एक सिक्योरिटी का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या महत्व है। उनको शुरुआत से ही इस चीज़ की एक तरीके की नींव डाली जाती है, जो उनका माइंड प्रोसेस इसी प्रकार से करने लगता है। उससे कई बार क्या होता है कि पैसे के प्रति बहुत सजग हो जाते हैं कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, और बहुत एक जिसको कहते हैं सदी हुई रोड पे बढ़ के काम करना है, रिस्क नहीं लेना है, कोई ऐसे एडवेंचरिज्म की तरफ पैसा कमाने के लिए नहीं जाना है जहाँ पे हमारी लाइन टूट जाए, पैसा हमारा लॉस हो जाए। अब उससे क्या होता है, कई बार इनके पास एबिलिटी भी होती है, इनके पास क्वालिटी भी होती है, इनके पास हर प्रकार की दक्षता भी होती है, लेकिन कई इम्पॉर्टेंट चांसेस ये लोग इसी एक थॉट प्रोसेस की वजह से मिस कर देते हैं कि भाई हम पैसा नहीं लगाएंगे, या हमको बचा के चलना है, या वहाँ क्या होगा, ऐसा तो नहीं है पैसा हमारा लॉस हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने समय का गिल्ट भी होता है कि पैसा अनाप शनाप खर्चा कर दिया, या किसी की मदद करनी थी पैसा होने के बावजूद वो नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का सेटबैक माइंड में एक रहता है। कार्मिक पैटर्न की अगर बात करें तो अब वो वाले हालात नहीं खड़े करना चाहते हैं जहाँ पे, या यूं कह लीजिए पहले के समय में बहुत ज़्यादा कठिनाई या परेशानी देखी हो, एक तरीके की जैसे स्टारवेशन का टाइम देखा हो, अब वो स्टेज से डरते हैं, अब उस तरीके की अपने आप को हालात में नहीं देखना चाहते हैं, उस पोजीशन में नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए कई बार एबिलिटी होते हुए भी, दक्षता होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं समय के अनुसार। बाद में जब सैटर्न के क्लचेस से निकलते हैं या उनकी उम्र के बाद चीज़ें होती हैं, अवश्य फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता, बहुत राइज करते हैं, या यूं मैं कह लूँ बहुत ज़्यादा ही पैसा बना जाते हैं या बना लेते हैं लाइफ में, जब सैटर्न अच्छी तरीके से बैठा हो। किसी किसी की पत्रिका में ऐसा हो सकता है कि ये उनकी लाइफ भर की स्ट्रगल हो, कि पैसा कमाना उनके लिए बहुत दुष्कर हो, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो, शुरुआत से उनके साथ इश्यूज रहे हों, जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उससे ज़्यादा घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ रही है। यहाँ पे कई बार उनको लगता है कि भाई कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पैसे की फैमिली में उठा ले तो हम उससे बच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने ऊपर पैसा खर्चा करना, स्पेंथ्रिफ्ट होना इस जन्म में एक तरीके से उनके साथ नहीं हो पाता है। इसी से वो दक्षता, डिसिप्लिन एक तरीके का सीख जाते हैं, सेविंग सीख जाते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड्स भी हैं जो उनकी बाद के ईयर्स में काम आती हैं, क्योंकि जब फिर वो ब्लॉसम करते हैं तब फिर ज़बरदस्त तरीके से वो टेक ओवर करते हैं, क्योंकि हार्ड लाइफ, हार्ड वे
उन्होंने सब देख लिया होता है, पैसे से संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं, रिस्क नहीं लिए होते हैं, एक ट्राइड और टेस्टेड तरीके पे चलते हैं, पुराने रास्तों पे चल के आगे बढ़े होते हैं, पेशेंस भरपूर आ चुका होता है पैसे को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत उठानी पड़ती है। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँगा जो कि देखिए, जब सैटर्न सेकंड हाउस में बैठता है तो कई लोगों के साथ जीवन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके साथ ऐसा हो या ऐसा होगा, लेकिन कई लोगों के साथ मैं ये कह सकता हूँ संतान के पक्ष में कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ सकती हैं। चाहे आप कह दीजिए कुछ डिले से हो, या संतान उत्पत्ति के समय कोई प्रॉब्लम आ जाए, या उन संतान को आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, एजुकेशन के समय कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी को आप ये समझते हैं गेंस, जिसको कहा जाता है क्विक गेंस, वो नहीं हो पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं कई दफ़ा। ये भी देखा गया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि प्रेम के मैटर्स में जो है उन लोगों को बहुत सफलता नहीं प्राप्त होती जब सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा होता है। तो ये कुछ बहुत श्योर चीज़ें हैं जहां बच्चों के संदर्भ में प्रॉब्लम आ जाना, या प्रेम के संबंध में जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, या कभी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाना कि बहुत बड़ा पैसा बनाने का चांस था वो निकल गया हाथ से। आप इसमें उनका मेंटल सेटअप भी कह सकते हैं कि भाई जल्दी पैसा नहीं बनाना है, रिस्क नहीं लेना है, नए काम नहीं करने हैं, ऐसा सिक्योरिटी में रखना है अपने आप को टाइट, क्योंकि पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेलते हुए आ रहे होते हैं। अच्छा, बाल काल में कई प्रकार के, आप ये कह सकते हैं घर में भी कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या पैसा कम हो, प्रॉब्लम्स हो, कम पैसों में जीने की आदत हो, घर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो, डूज और डोंट्स हो, ये ना करो, वो ना करो, इस तरीके से जीवन को चलाओ, इस तरीके से जीवन को करो, ऐसे बढ़ो आगे, ये सब बहुत हो सकता है। फादर फिगर से हो सकता है इनका कम निभे। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि घर से बाहर इनको जाना पड़ता है, और वो जाना भी पड़ता है, और उचित भी रहता है इनके लिए, मैं कहूँगा, या यूँ कह लीजिए घर से बाहर जाने में कई बार सफलता प्राप्त होती है, या पिताजी से भी कई बार ऐसा हो सकता है दूर होने से ये सिचुएशन हो कि उन लोगों को फ़ायदा प्राप्त होता हुआ नज़र आए। लेकिन ये बात अवश्य है, घर वालों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी उठाना और अपने ऊपर खर्चा ना करना, एक तरीके से ये इनका रहता है कि अपने जेब में 100 रुपये होंगे या 10 रुपये होंगे वो खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपने घर वाले या परिवार वालों को हेल्प करनी होगी इस पैसे से संबंधित, तो अवश्य मदद करते हुए नज़र आते हैं, संतान को मदद करते हुए नज़र आते हैं, चाहे उनको उनके तरफ से जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े। दूसरों को जिनको पैसा खर्चा करते हुए देखते हैं बहुत आराम से कि भाई बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं और एक बड़े अच्छी सी लाइफ जी रहे हैं, तो कई बार आप ये कह सकते हैं उनको देख के, मैं ये नहीं कहूँगा कि दे आर जेलस, लेकिन कई बार उनको देख के लगता है कि भाई उनकी लाइफ बेटर है, या उनकी लाइफ इस तरीके से हो सकती थी, या उनके जैसी लाइफ होनी चाहिए, या उनको भी सलाह देते हुए नज़र आते हैं कि भाई सेविंग्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएंगी। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जीवन में हमेशा धन, सिक्योरिटी, पैसा, इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। वजह क्योंकि टाइम से, जैसे आप देखेंगे 32-34 ईयर्स का जो टाइम आता है, उसके बाद जब सैटर्न अपना एक तरीके से जकड़ है या पकड़ है, वो धीरे करते हैं, ढीली करते हैं, राइज करने लग जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि बहुत लोगों से लाखोंपति करोड़पति हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इन लोगों को एक तरीके के से डिसिप्लिन में रहना, पैसा बनाने का तरीका, सेविंग्स, सारी चीज़ें आती हैं। तो आप ये कह सकते हैं एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीनें, बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेस को स्टैंड करना, और बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से उस समय बाद में, क्योंकि जहाँ गिरना होगा, जहाँ गिर सकते थे, उन सारी चीज़ों को निपट आए हैं, देख आए हैं। लेकिन पहले की लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है, पहले की लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटेड रह सकती है। कई बार यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ स्पीच में, मैं कह सकता हूँ, हार्शनेस दे सकता है,
कोल्डनेस दे सकता है। कई बार यहाँ पे अगर राहु मंगल जैसे प्लैनेट्स का असर साथ में पड़ रहा है तो कई प्रकार से अपनी भाषा से लोगों को चीट करना, उल्टा सीधा बोलना, बहुत रूड वे में बोलना, इस तरीके की बात हो सकती है, लेकिन टोन फर्म होगी। सैटर्न जब अच्छा बिहेव कर रहा होगा तो एक बहुत ही डिसिप्लिनरी भाषा बोलेगा, फिलोसफिकल भाषा बोलेगा। आपके शब्द जो हैं वो सोने के भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके जो शब्द हैं वो रियली एग्जाम्पल्स से भरे हो सकते हैं या लाइफ एक्सपीरियंसेस से भरे हो सकते हैं जो लोगों को बहुत काउंसलिंग और सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। आपकी बातों का लोगों पे बहुत फ़ायदा हो सकता है उनको ऊपर उठाने में, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं से देखिए कर्मा से और फिलॉसफी से जुड़ा ही हुआ है। तो जो अब सेकंड हाउस स्पीच का भी है, कभी आप नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलना नहीं पसंद करेंगे या समय आने पे बोलेंगे या जितना बोलना है उतना बोलेंगे, अवॉइड करेंगे। कुछ लोग जो हैं अननेसेसरली आप समझ लीजिए झूठ है, रूडनेस में बोलना, ये सैटर्न का इफेक्ट यहाँ पे देखिए हो सकता है। कई प्रकार से घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, फैमिली में वो एनवायरनमेंट नहीं प्राप्त होता जो एक बचपने से एक जिसको कहते हैं ना कि खिलने का काम करे। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई स्टार्टिंग से ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, घर परिवार में रोका टाकी चल रही है, एक घर का एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा है, अपने तरीके हैं उनके चलने के, उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो कई बार अपने वैल्यूज सेट करते हैं कि किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए, चलना चाहिए, कई बार अपना सेटअप करते हैं फैमिली से दूर होके, परिवार से दूर जाके, एक तब जाके उनको थोड़ा सा एक यूं कह लीजिए कि आज़ादी भी मिलती है अपने आप में जीने में। हाँ ये है, अवश्य पहले की लाइफ में स्ट्रगलिंग है, कई बार हो सकता है रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में रहना पड़े, बाद में जाके मकान इन लोगों का जीवन में बनता अवश्य है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मदर के साथ रिलेशनशिप कई मामलों में स्ट्रेन रह सकते हैं, एक मेंटल पीस या खुशी आप कह सकते हैं शुरुआत में मिसिंग हो। लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कई बार लाइफ पार्टनर हो सकता है लेट शादी हो, या आप कह सकते हैं कि वो उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है, कुछ इस तरीके की भी पोजीशन होती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लाइफ पार्टनर के साथ होती हुई देखी जा सकती हैं, इन लॉज के साथ भी प्रॉब्लम होती हुई देखी जा सकती हैं। अच्छा, आपके साथ साथ लाइफ पार्टनर की भी जो वेल्थ है, ये जॉइंट एसेट्स हैं, वो भी कह लीजिए कि वो पूरे नहीं डाल पाते हैं जीवन को, घर को आगे बढ़ाने में, चलाने में। लेटर ऑन ये हालात या स्टेजेस बदलते हैं, लेकिन यहाँ ये अवश्य है कि आपको अपना शादी या तो देर से करनी चाहिए, शादी डिले कर देनी चाहिए, या कई प्रकार की आप ये मान के चलिए कि वहाँ से भी आपको कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात है कि जिनके सैटर्न सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो वो याद रखें कि 28th ईयर में उनके, आप ये मानिए कि जो लाइफ पार्टनर से रिलेटेड है, किसी प्रकार की कोई शुभ या अशुभ घटना उनके साथ घट सकती है, वो पत्रिका से आपकी देख के पता चलेगा, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। अराउंड 28 ईयर्स के नज़दीक जो है आपके लाइफ पार्टनर के संबंध में, चाहे वो विदेश यात्रा के संबंध में हो या लोगों जो आपके पार्टनर्स हों, बिजनेस पार्टनर्स हों, उनके संबंध में कोई बहुत भारी तब्दीली या फेर बदल होते हुए देखा जाता है, ये आपकी पत्रिका से देख के पता चलेगा। लेकिन ये एक इंडिकेशन मैंने देखी है, मैंने इसको जज किया है इस चीज़ को, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो शुरुआत से ही एक सॉलिड फाउंडेशन को बनाने में लगे रहते हैं, सिक्योरिटी के लिए, पैसे के लिए, ट्राइड और टेस्टेड तरीके, नए काम नहीं करने हैं, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है, वहाँ से प्रॉब्लम ना हो जाए, तो कई बार अपने ग्रोथ के पैटर्न को रोकते भी हैं, खुद से ही रोकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पुराना कार्मिक गिल्ट होता है, जब कभी ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया हो या बहुत कम पैसे में सर्वाइव करना पहले जीवन में होता हो और अभी उसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं पैसे की, तो बहुत सेफ ग्राउंड लेके, बहुत सेफ्टी से चल के
पैसे को बचा के चलना, हर एक पेनी का जिसको कहते हैं हिसाब रखना, एक एक रुपए का हिसाब रखना, तो ये कुछ वैल्यूज अच्छी भी हैं। एक नॉलेज, एक पैसा बनाने का तरीका, एक उसको लाइफ को कैसे चलाना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ये सब एक गुड पॉइंट्स हैं, इनके एसेट्स हैं जो बाद की लाइफ के लिए सोना साबित होते हैं। इसीलिए जो इनकी लेटर लाइफ है, आप ये कह सकते हैं 32, 33, 34 साल के बाद आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर उत्थान होता हुए इनका देखा जाता है, चाहे फिर वो मैरिज लाइफ हो, चाहे संतान का पक्ष हो, इन सब तरीकों से फायदा होता हुआ इन लोगों को फिर बाद में बहुत ऊंचा चले जाते हैं। वजह हर प्रकार की नॉलेज होती है, पैसे को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, सेव करना है, कहाँ लगाना है, और कभी ऐसा नहीं है इनके मन में होता कि भाई इनको कहीं से पैसा कोई मिल जाए, ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि कोई इनको दान कर दे या हेल्प मिल जाए, नहीं लेना चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, बस यूँ कह लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाते हैं, पुरानी चीज़ों में चलना, ऑर्थोडॉक्स तरीके, बहुत चेंज नहीं इनको जल्दी जल्दी चाहिए होता है, वो उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, नई चीज़ों को पकड़ना, नई चीज़ों की तरफ जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फेयर, कोई वो डर, वो घबराहट पहले समय की होती है इनके जीवन में, तो एक एक कदम फूंक के रखने वाले होते हैं। हाँ, एक बात बहुत सुंदर होती है कि उम्र इनकी बहुत अच्छी होती है, लॉन्जिविटी के लिए सेकंड हाउस का सैटर्न बहुत अच्छा है, बीमारी प्रॉब्लम्स कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं है पत्रिका में अगर किसी के ऐसा बैठा हो और कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हो, लेकिन लॉन्जिविटी बहुत अच्छी देता हुआ नज़र आता है स्वयं को जिनके पत्रिका में बैठा है, क्योंकि सेकंड से बैठ के एट्थ को देखता है और एट्थ हाउस जो है इट इज़ अबाउट लॉन्जिविटी, यहाँ से हम मृत्यु को भी देखते हैं तो उसमें भी डिलेज करता है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत लॉन्ग लाइफ होती है इन लोगों की। इन लॉस के साथ प्रॉब्लम्स होती हुई देखी जाती है, उनके साथ सही तरीके से तारतम्य नहीं बन पाता है, बाद में जाके कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बनती है या कई सिचुएशंस में नहीं भी बनती है। जैसे मैंने कहा लाइफ पार्टनर के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, या फैमिली प्रेशर की वजह से, ससुराल वालों की वजह से, इन लॉस की वजह से कई प्रकार का प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आती हैं, जो बाद में अवश्य सुधरती हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग शुरुआत से आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार के अल्कोहलिज्म में, किसी प्रकार के सिगरेट वगैरह, इन सारी चीज़ों में भी जल्दी पड़ते हुए देखे जाते हैं, या यूँ कह लूँ किसी न किसी रूप में दवाई इन लोगों को अवश्य खानी पड़ती है अपने जीवन में। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि खाना, क्योंकि सेकंड हाउस इज़ अबाउट फूड, तो खाने में मैं ये नहीं कहूँगा कि जीवन में इनको प्रॉब्लम होती है या बहुत नहीं मिलता है, ये अवश्य कह सकता हूँ। बहुत बड़ी फैमिली अगर हो तो कहीं ना कहीं उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मन मुताबिक खाना ना खा पाना या चीज़ें हैं, लेकिन बाद में वो भी इच्छा इन लोगों की पूरी होती है, दे गेट गुड फूड, और बाद में बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाते हैं, जिसको कहा जाए कि नहीं भाई उतना खाना है, उतना जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ज़रूरत है, कंट्रोल करते हुए देखे जाते हैं अपने खाने की या फूडिंग हैबिट्स को भी। तो नए एरेनाज में जाना, प्रोफेशनल लाइफ में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना इन लोगों को नहीं आता है। सिंपल, बोरिंग, कभी कभी डल लाइफ, जहाँ से पैसा श्योर शॉट आना हो वहाँ पे काम करते हुए देखे जाते हैं। नॉलेज में कमी नहीं होती है, दक्षता में कमी नहीं होती है, हर प्रकार की गूढ़ नॉलेज आप कह सकते हैं इन लोगों के पास हो सकती है, और फाइनेंस से लेके तो ज़बरदस्त हो सकती है, लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि कब लगाएंगे, कब एक्सपेंशन होगा, कब करेंगे, ये देखिए लेटर लाइफ में। तो मैं ये आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, शुरुआत के जीवन में अगर आपकी उम्र इस समय 27, 26, 25 साल की है, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप, मैं आपसे यही कहूँगा कि इसी तरीके से चलते रहिए, क्योंकि बाद में आपकी लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है। रिटायरमेंट एज जिसको कहते हैं, तब तक आपके पास, मेरे, आपने सोचा नहीं होगा कि जो आज आपके पास पैसा है वो आपके रिटायरमेंट के समय तक की जो है डबल हो चुका होगा, उस समय पोजीशंस बहुत अच्छी होंगी, चाहे वो इन लॉज के साथ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे बच्चों का, आपकी कोई समस्या अगर आपको दो चार उनसे होना पड़ रहा है, तो बाद में सिचुएशंस उनकी बहुत अच्छी हो जाती हैं, या यूं कहूँ इनफैक्ट
कि बाद में बच्चों की वजह से कई बार नाम भी रोशन होता है आप लोगों का, ऐसा भी देखा जाता है। तो जो एक सबसे सटीक बात है कि चलते रहिए, जो काम कर रहे हैं, बहुत चीज़ें नहीं हो रही हैं, मत होने दीजिए। अगर आपको कोई यूं कह रहा है कि बहुत पैसा खर्चा करने वाले नहीं, अपने ऊपर नहीं करते हैं, है नहीं, हैंड टू माउथ रहते हैं, वो काम कर सकते हैं जो नहीं कर रहे हैं, जहां से पैसा आ सकता है, उसमें मत घबराइए, क्योंकि आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। कुछ आप अपने पुराने जन्म के कर्म उतार रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ डिसिप्लिन, कुछ अपने संस्कार क्रिएट कर रहे हैं खुद के, जो सही हो सकते हैं इस मायने में। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा, सैटर्न अगर यहाँ पे बैड पोजीशन में है, तो देखिए मैनुपुलेशंस, किसी प्रकार का कोई किसी को ट्रिक करके पैसा कमाना है, इस तरीके के फ्रॉड्स करना है, ये सब करते हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन तब ज़्यादा होता है जब इस सैटर्न पे किसी प्रकार का राहु का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा हो, तब उस तरीके की अर्जेंसी क्रिएट करता है पैसे के लिए, कि फिर उसके रूप में कहीं गलत काम वो करवा सकता है। और शुरुआत जो है आप कह सकते हैं बोलने से होती है, तो कई प्रकार की मैनुपुलेशन, धोखेबाजी, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें घर घर जाती हैं। तो जैसे मैंने कहा, कई बार पीस ऑफ माइंड होता है घर में, वो आनंद नहीं होता है, वो खुशियाँ नहीं होती हैं। माता जी के साथ कई बार प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, उनके साथ भी किसी प्रकार के इश्यूज रह सकते हैं, या उनकी तबीयत खराब रह सकती है। भाइयों के साथ मैं कह सकता हूँ, बड़े भाई को जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको अपने घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है, उनके साथ ऐसी सिचुएशन देखी जाती है। आपका और आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं, उनके बीच में शुरुआत के रूप में कुछ दूरी रह सकती है, बाद में वो भी ठीक होते हुए देखा जाता है। एक और भी बात है कि जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है आपका, वो बहुत, यूं कह सकता हूँ कि कई बार आपको नहीं प्राप्त होता, छोटा सर्कल होता है, या यूं कह दीजिए लिमिटेड नेटवर्क होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको समझते हैं। कई बार फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलता है कि भाई कोई बात हो गई, फैमिली वाले आके खड़े होके आपका साथ देंगे, जब आप सबके साथ इतना करते रहे हैं, ऐसा नहीं होते हुए देखा जाता है। वहाँ पे कई बार आपको डिच किया जा सकता है फैमिली से भी आपकी, ऐसा भी कईयों के साथ होते देखा जाता है। कई बार ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ ऐसा होगा या सबके साथ ऐसा होना ही चाहिए, कई बार जो आपके छोटे भाई बहन हैं, या यूँ कह लूँ कि जो आपके यंगर ब्रदर हैं, उनको बहुत ट्रबल हो सकती है लाइफ में, कई प्रकार की बहुत गहन ट्रबल उनके जीवन में आ सकती है। तो ये उनके भाई बहनों के साथ भी देखिए इस तरीके का फ्रेंड्स हैं, या जो आप सोचते हैं, जो इच्छाएं आपकी हैं जीवन की, कि हम ये डिज़ायर करते हैं, वो प्राप्त कर लें, ये कर लें प्राप्त, उसमें देखिए थोड़ी देरी हो जाती है, उसमें डिलेज हो जाते हैं। कई बार उनको पूरा करने में आपका पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ एक छोटी छोटी इच्छा पूरी करने में भी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं लाइफ में कई बार। तो ये सारी चीज़ें साथ में चलती रहती हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, जो इनको काम भी आता है नाप तौल के काम करना, इमेजिनेटिव भी होते हैं, घर परिवार में अपना समय देने वाले भी होते हैं, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सहज उठाने वाले होते हैं। चाहे उनको मन में होता है कि भाई कोई दूसरा एक हेल्पिंग हैंड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद आगे बढ़ के अपनी फैमिली परिवार की मदद नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा कई बार इनके अंदर नकारात्मकता चली जाती है, आइसोलेशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, घर कर सकते हैं, घर की सिचुएशन को देख के, बच्चों को ले लेते हुए, लाइफ पार्टनर को लेते हुए, फाइनेंशियल मैटर्स को लेते हुए, कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम इनके साथ आ जाती है। बहुत सतर्क रहने वाले बात होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बहुत कॉशियस रहते हैं कामों में। तो कई बार क्या होता है, काम बड़े डिसिप्लिन से करते हैं, ऑर्डर से करते हैं, बहुत एक जिसको कहते हैं फोकस से करते हैं काम को, उसमें क्या होता है, अपने लिए आनंद पाने, ढूंढने या आनंद में रहने का समय नहीं रहता, कि अपने लिए समय नहीं दिया। अब उसकी वजह से कई प्रकार की मेंटल इलनेस है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, एक मोनोटोनस लाइफ है, जिसको कहते हैं वो रास्ते पे जाना, उसी से लौट के आना, कोई एक आनंद नहीं प्राप्त करना, ऐसा होता हुआ भी देखा जाता है कई लोगों के साथ। सैटर्न जब सेकंड हाउस में होता है, तो घर परिवार से, जैसे मैंने कहा, दूर ले जाता है। कई बार वो अपने जहाँ पे रहते हैं, जहाँ बर्थ प्लेस है, उससे भी
दूर ले जाके उनको सेटअप करता है। इन लोगों को दांत वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, फेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फेस से रिलेटेड में मैं कहूँगा, अगर यहाँ सैटर्न बहुत गड़बड़ तरीके से बैठा हुआ है या बहुत मेलिफिक एक इफेक्ट दे रहा है यहाँ पे बैठ के, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ, घर परिवार की कुछ प्रॉब्लम के साथ साथ फेस से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई समस्या दे सकता है। कोई एक्सीडेंट्स हैं, हेड इंजरीज हैं स्टार्टिंग में, इस तरीके की भी पॉइंट देखिए हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ, मतलब सबके साथ होगा ही होगा ऐसा, लेकिन ऐसा होता देखा जाता है। किसी प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो जाना, डिफेक्ट इन स्पीच, देर से बोलना, खाना खाने में प्रॉब्लम हो जाना, दांतों में प्रॉब्लम आ जाना, जिसको जैसे मैंने बताया है आपको, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। बैंकिंग हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो कहते हैं लंबे समय तक काम कर रहे हैं और उनको पेंशन प्राप्त हो रही है, इस तरीके के काम करने वाले लोग होते हैं। हर प्रकार का ऐसा नहीं है, आर्ट से साधन नहीं पड़ता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस टॉरस को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं आर्ट है, डेकोरेशंस हैं, इन सारी चीज़ों में भी इनका इंटरेस्ट रहता है, उससे भी पैसा बनाते हुए देखे जाते हैं ये लोग, जो इस लाइन में अगर हों, या सैटर्न से रिलेटेड जो भी काम है, ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, उस तरफ काम करते हुए भी नज़र आते हैं, माइनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वहाँ से इनको पैसा है वो आता हुआ दिखाई देता है, या सरकार में काम करते हुए या सिटी प्लानिंग्स में उस तरीके के काम करते हुए नज़र आते हैं, जो इनके प्रोफेशनल एक चीज़ें हैं। लेकिन लंबा काम, सदा हुआ काम, कोई नया काम नहीं, उस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपनी लाइफ को चलाने वाले खुद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। देर में सक्सेस मिलती है, लेकिन खुद के दम पे मिलती है। किसी से पैसा मांगना इनको उचित नहीं लगता है कि भाई मिल जाए या कुछ है। हाँ, ये अवश्य कई लोगों को यहाँ पे इनहेरिटेंस लेट में प्राप्त होती हुई दिखाई देती है, कई प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती हैं एंसेस्ट्रल, वो इन लोगों को प्राप्त होती है भगवान की कृपा से, लेकिन काफ़ी लेट में जाके, या लेटर एज आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर होती है पैसे के संदर्भ में, खुशियों के संबंध में, घर के संबंध में, जो उनकी इच्छा है कि भाई इस प्रकार का घर होना चाहिए, इस प्रकार की लाइफ होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये अवश्य है, फैमिली लाइफ, स्पाउस, बच्चों का कई प्रकार की प्रॉब्लम्स देखिए, सेकंड हाउस इज क्योंकि इमीडिएट फैमिली आल्सो, तो काफ़ी टेंशन्स होना स्टार्टिंग में, ये सब देखा जाता है। सेकंड हाउस में जब सैटर्न बैठा हो तो समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जस्ट होते हैं, मतलब इनमें ये क्वालिटी होती है कि किसी के साथ हमें धोखा नहीं करना है, बहुत सहज रूप से काम करना है। कई बार लोग इनको धोखा दे जाते हैं इनके पीठ पीछे, और वो भी ज़्यादातर फैमिली वाले जो होते हैं, उनकी वजह से इन लोगों को काफ़ी प्रेशर जो है वो उठाना पड़ता है, इन लॉज का, अपने घर के भी कई ट्रबल्स चलती रहती हैं, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं, जीवन के अंत तक इनको सपोर्ट करना पड़ सकता है, कई बार अपने फैमिली वालों को, ब्रदर को, सिस्टर को, वो चीज़ें साथ में चलती रहती हैं। माता पिता के साथ में भी मैं यही कहूँगा, कई प्रकार के लाइफ में जो है सेटबैक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अपने माता पिता को कोई हेट करते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, परंतु किसी ना किसी वजह से उनसे दूर हो जाते हैं, दूर रहते हैं किसी भी प्रकार से। और जब सैटर्न यहाँ पे अच्छा बैठा हो तो ये अवश्य याद रखिए, कई प्रकार से माता से इन लोगों को बहुत सपोर्ट भी फिर प्राप्त होता है, जिसको कहा जाए उनके संस्कारों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं, उनकी ओर से उनको धन भी प्राप्त होता हुआ देखा जाता है, फिलॉसफी स्पिरिचुअल भी होते हुए देखे जाते हैं। कि मैं ये भी बता सकता हूँ कि अपने जीवन में शुरुआत से एक वो स्पिरिचुअल एंगल इनके रह सकता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन ठीक है, एक कैलकुलेशन का नाम है, सदे हुए रूप से चलने का काम है, पैसा बहुत ज़रूरी है, फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन देखिए लाइफ, फैमिली, हंसना, बोलना, खुशी, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो आपको मिल रहा है अभी की उम्र में वो पर्याप्त है, बाद में यहाँ पे सैटर्न महाराज आपको जो बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में,
बहुत प्लेंटी देंगे या ज्यादा देंगे, कई लोगों से ज्यादा देंगे। अगर आप आज सोचते हैं कि मैं भी साथ में काम कर रहा हूँ, दूसरा भी काम कर रहा है, वो इंजीनियर है मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं आज 50 रुपये कमा रहा हूँ वो 200 कमा रहा है, तो आप यकीन मानिए जब आपकी एज पूरी आएगी 34-35 तक, तब आपकी जो सैलरी है या इनकम है आपकी 400 हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके जो तरीके आपने सीखे हैं, जो ज्ञान लिया है, जो मैच्योरिटी दिखाई है, या जो आपकी सेविंग टेक्निक्स हैं, वो आपको उनसे ज़्यादा पैसा वाला कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेंड भी किया है, वो काफ़ी खर्चे भी करते रहे हैं अपने अनाप शनाप लाइफ में। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता है, आप बहुत एक पैसा होता नहीं है शुरुआत में, कम होता है, सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, पैसे की वैल्यू जानते हैं, जो आप अपनी संतानों में भी डालने की कोशिश करते हैं, सही रूप से पैसा कमाना, सही ढंग से पैसा कमाना, सही लीक पे चलना, या जो एक ऑर्थोडॉक्स तरीका है पैसा कमाने का कि भाई जैसे कहा जाए कि हाँ संतान को ये शिक्षा देंगे कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब है वो करो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, ये नहीं कि हाँ MBA करके ये करके कहीं चले जाओ नौकरी, नहीं। कई बार वो लोग, उनका ये रहता है कि भाई जो सेट काम है उसमें जाओ, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया होता जिनके सेकेंड हाउस में सैटर्न होता है। बट अंततः आखिर में मैं ये कहूँगा कि बहुत सुंदर फोर्स होती है, पैसे की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में अवश्य होती हैं, फैमिली में ट्रबल्स अवश्य होती हैं, शुरुआत में स्कूलिंग ईयर्स डिफ़िकल्ट हो सकते हैं कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए लाइफ में घर में प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं, पढ़ाई लिखाई का जो एक माहौल नहीं बन पाता है, कई बार उसमें ब्रेक्स होना ऐसा होता है, एक अपना सोच विकसित कर लेना, अपने संस्कारों पे चलना, अपने थॉट प्रोसेस पे चलना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग सही लोग, ज्ञानी लोग, गंभीर लोग नहीं होते हैं, लेकिन परेशानी की वजह से कुछ लालच या लोभ में पड़ के कभी कभार गलत काम भी कर दिया करते हैं, जो बात के कर्मा को फिर और बिगाड़ता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, और अवश्य आपको हर चीज़ प्राप्त होगी, चाहे आपके लॉज की प्रॉब्लम चल रही हो, लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे मैंने कहा देर में विवाह करी, प्रॉब्लम्स आपकी लॉज के साथ भी सुधर जाएंगी, आपके बड़े भाई, फ्रेंड्स, पार्टनर, सारी कुछ। हाँ, ये आपको समझना चाहिए सैटर्न जहाँ पे बैठ रहा है जिस घर में अवश्य बता रहा है उससे रिलेटेड कोई कार्मिक पैटर्न आपको झेलना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपकी, जैसे मैंने बताया, फैमिली, पैसा, स्पीच, खाना पीना, इसको आपको डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा। उचित है किसी प्रकार का नॉनवेज है, फाइन ये आपका स्मोकिंग्स हैं, किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशंस हैं, उनमें बिल्कुल भी मत पड़िए किसी प्रकार से, नहीं तो वो आपको ट्रबल आपकी बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे किसी भी चीज़ों में। और लेटर लाइफ आपकी बात की बहुत बढ़िया है, घर बनाना, बड़ा मकान बनाना, ये सब आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए इस वाली पोजीशन से सैटर्न की बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ये आपको बात के लिए जो है वो तैयार करता है, और अच्छे से अच्छे जॉब्स, पोस्ट आपको दिलाता हुआ नज़र आता है। बाद की लाइफ में जो आप चाहें वो कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो लोगों ने नहीं किए हैं। शुरुआत में पेशेंस, धैर्य, डिसिप्लिन, पैसे की वैल्यू आपको समझनी ही पड़ेगी। कई बार हाथ तंग होगा, कई बार सेविंग्स आपकी नहीं बचेंगी, चाहे आप हजारों रुपए कमा रहे हों, वो बाद में ही होता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका उत्तर अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।